वेलकम टू फन विद वेदिक मैथ्स। आज मैं 10th क्लास पार्ट 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवाने जा रही हूँ। मैंने सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है 25x का स्क्वायर माइनस 30x माइनस 10 इक्वल में 0। इसको हमने करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, जिसके लिए हम 5 5 जा, हम फर्स्ट वाला ये जो a है इसको हम इसका हमने स्क्वायर बनाया 5 5 जा 25। उसके बाद में हमारा फॉर्मूला होता है 2ab। 2ab के लिए 2 मल्टीपल a क्या है 5x है, और b में हम ले लेंगे 3। हमने 3 क्यों लिया है, 10 3 जा 30, इसलिए हमने यहाँ पर 3 लिया है। उसके बाद में हम इसको कर लेते हैं 3 3 जा 9। क्यों हमने 3 करा है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो बी पार्ट है वो हमने ए पार्ट बी पार्ट जो हमने लिया है वो 3 लिया है, इसलिए हमने यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिया है। और आगे है हमारे पास माइनस 10 इक्वल में 0। अब हमारा इस इक्वेशन से बन सकता है 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9 माइनस 10 इक्वल में 0। अब हमारा हो गया 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल में माइनस 10 माइनस 9, हमारे पास आ जाता है माइनस 19 इक्वल में 0। 5x की पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल में हम ये 19 इधर लेके आ जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये हो गया 19। अब हम यहाँ पर स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, 5x माइनस 3 इक्वल में ये स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पर रूट लिख देंगे, यहाँ पर आ गया हमारे पास रूट 19। अब हमें करना है 5x इक्वल में, यहाँ पर जब हम 19 लिखेंगे तो ये प्लस माइनस दोनों में ही हमारा जो आंसर है वो दो आएंगे, प्लस में भी और माइनस में भी। और अब हम ये 3 को जब इधर लेके जाएंगे तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, 3 प्लस माइनस रूट 19। अब हमें x इक्वल में करना है तो हमारा हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 19, और ये x के साथ था इसलिए ये अपॉन में हमारा चला जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा ये x इक्वल में 3 प्लस रूट 19 अपॉन में 5 एक, और दूसरा हो गया 3 माइनस रूट 19 अपॉन में 5, ये हमारा आंसर आ जाता है। इसी को अब मैं दूसरे मेथड से आपको करवाती हूँ। इसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारे पास ए है 25, बी है हमारे पास माइनस 30, सी है हमारे पास माइनस 10। हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2b। हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। अब क्या होगा, हमें सबसे पहले हम इजी फॉर्म में करने के लिए हम सिर्फ रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए हमारे पास बी दे रखा है माइनस 30, माइनस 30 का होल स्क्वायर करना है, उसके बाद माइनस 4, ए हमारे पास 25 है, उसके बाद सी हमारे पास है माइनस 10। जब हम इसको करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 30 को 30 से हम करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 900, और 4 मल्टीपल 25 मल्टीपल 10 और माइनस माइनस प्लस हमारा ये बन जाता है 1000, और हम इसको ले लेते हैं रूट में। जब हम इसको रूट में लेते हैं तो हमारे पास आ गया ये 1900। अब इसको हम एक टुकड़ों में बांट सकते हैं, हमें मालूम है 19 मल्टीपल 100 क्यों हमने करा है, क्योंकि 10 10 जा, ये हमारा 10 बाहर आ जाएगा इसलिए हमने करा है। मीन्स हम इसको अब लिख सकते हैं इस तरीके से। अब हमें करना है b के साथ माइनस बी, हमारे पास ये क्या था माइनस माइनस हमारा ये प्लस हो गया, हमने लिख दिया 30 प्लस माइनस, यहाँ पर हमारा आया है 10 रूट में 19, और अपॉन में हमें क्या लेना है 2a,
टू मल्टीपल ए हमारे पास क्या है 25, यानी ये हो गया हमारा 30 प्लस माइनस, यहाँ पर हम इसको कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ पर हमने अगर 10 कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ पर बचता है 3 और ये 10 हमारा आ गया बाहर, और यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस में बचेगा √19, यहाँ पर हमारे पास हो गया 50। जब हम इसको इससे कट कर देंगे तो हमारे पास वही वाला आंसर आ जाता है 3 प्लस माइनस √19 अपॉन में 5, मीन्स एक हमारा आंसर आएगा 3 प्लस √19 अपॉन में 5 और दूसरा हमारा आंसर आएगा 3 माइनस में √19 अपॉन में 5। एक क्वेश्चन और मैं आपको करवाती हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ स्क्वायर इज 220, यानी कि लेट्स अगर हम फर्स्ट नंबर जो मान ले अपना x, फर्स्ट नंबर हमने अगर x मान लिया है तो सेकंड नंबर हमारे पास हो जाएगा क्या हो जाएगा x प्लस में 2, क्योंकि वो ऑड पॉजिटिव नंबर है। अब वहाँ पर दे रखा है कि उन दोनों को अगर हम उन दोनों का सम करते हैं और फिर उसका स्क्वायर करते हैं तो वो हमारे पास 220 आता है, यानी कि हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2 का स्क्वायर, ये हमारा आ गया 200, ये हमारा 290 था, 290। अब हमें क्या करना है, x का स्क्वायर प्लस में जब हम इसको खोलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 4 इक्वल में 290, यहाँ पर आ गया 2x का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4, ये इधर आके माइनस 290 हो गया इक्वल में 0, हमारे पास आ गया 2x का स्क्वायर प्लस 4x, 290 में से हमने 4 को माइनस किया तो हमारे पास माइनस का 286 आ गया इक्वल में 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो जाती है तो हमें 2 से इसको डिवाइड करना है, हमारे पास आ गया x की पावर 2 प्लस 2x माइनस 143 अपॉन में वो इक्वल में 0। अब हमें दोनों में से कोई भी मेथड यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लिया हमने मेथड इस्तेमाल किया है माइनस बी, कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, तो हमें क्या करना है, वैल्यूज सीधा लिख देनी है, यहाँ पर 2 हमारा माइनस का 2 हो जाएगा प्लस माइनस रूट में बी की वैल्यू हमें लिखनी है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस 4 मल्टीपल ए हमारे पास 1 है, सी हमारे पास 143 है और अपॉन में हमारा आ गया 2 मल्टीपल ए हमारे पास क्या है 1, हमारे पास हो गया ये माइनस 2 प्लस माइनस रूट में 4 माइनस में 500 प्लस माइनस, यहाँ पर ये माइनस का था तो हमारे पास ये प्लस का हो जाता है और ये बन जाता है 572। अब हमें जब इसको प्लस करेंगे तो ये और अपॉन में हमारा 2 आ गया, जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा आ जाता है यहाँ पर रूट का, मैं यहां से थोड़ा सा रब कर देती हूं। अब हमारा यहां पर जब हम 2 को कॉमन अगर हम निकाल देते हैं यहाँ पे, तो हमारे पहली बात हमें कॉमन भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, माइनस 2 प्लस माइनस रूट 576 किसका रूट है 24 का, 24
अपॉन में 2 हमारे पास ये आ जाता है। अब हम यहाँ पर 2 को कॉमन अगर निकालते हैं, तो 2 को हमने कॉमन निकाला तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 1 प्लस माइनस 12 अपॉन में 2। 2 हमारा 2 से कट गया, इस 1 की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास हो जाता है 1 प्लस में 12 13 और 1 माइनस में 12 इक्वल में 11। हमारे पास ये 2 आंसर हो जाते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।